शुरू में करना चाहिए रिकॉर्ड हिस्टोरिकली थर्सडे को सैटरडे <laughs> को होती है हाँ। और आप, को कर लेते हैं। ओहो। को आप कर लेते हैं अब कुछ नहीं हो सकता पत्थर पे लकीर है, हाँ। पत्थर, है पत्थर के ऊपर यूं हमने लकीर खींच बस हॉट बाइट फ्राइडे को होगा अब जो है ना सैटरडे को चला करेगा अब कुछ नहीं हो सकता अब कुछ नहीं हो लेकिन मैं देख रहा था इट्स नॉट लाइक हॉट के बड़े कुछ टॉपिक आपने किए हैं के बड़ा कुछ हुआ इस हफ्ते आजकल वैसे धीमा है मौसम क्या वजह लोग ट्रेवल कर रहे हैं शहर में नहीं है अवार्ड शोज नहीं हो रहे हैं तो कंट्रोवर्सीज कम हो रही हैं

ट्विटर स्पेसेस पे ट्विटर स्पेसेस ट्विटर स्पेस पे ट्विटर स्पेसेस पे लोग कह जाते हैं चीजें कह जाते हैं चीजें और वो वायरल हो जाती हैं और फिर लोग ट्रेंड करना शुरू हो जाते हैं ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है जी यार क्या करें फिर क्या करें क्या करें वो एक वो फिर प्रोजेक्ट की खबरें आ जाती हैं भाई कि नेटफ्लिक्स पे आने लगा हाँ जी

ने आज डिसाइड किया कि वो जो हमारे कुछ है अगले हफ्ते हम आपको जो अगला हमारा हॉट बाइट होगा उसमें हम रिवील करेंगे बहुत हो गया ठीक है ऑफ रिकॉर्ड रख रख के हम अब हाँ हम बस हमारी हमारा बस हमारे कंधों पे वजन जो है तो अब हम आने लगे हैं इनशाला मैं पहले ही कह देता हूँ अगले हफ्ते पहले मैं भी की तरह मैं हाँ। अनाउंसमेंट करने हाँ। कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम एक दो बिग अनाउंसमेंट करेंगे अपने हॉट बाइट्स में तब तक आप अपने दिलों की धड़कनों रखें धड़कनों धर्क, हाँ। को हाँ। थाम के रखें आज बहरहाल हम बात करेंगे दो तीन मौजूद जो कि मुझे लगा बड़े जरूरी है

नहीं मैंने कहा था आप अपनी नजर से आप मैंने अपनी एक नजर से ठीक है थीक मेरी है। एक नजर है आपकी मैंने अपनी नजर इस्तेमाल की मैंने अपनी नजर से देख लिया जी और जो मैंने अपनी नजर से देखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगा जी ठीक है उसके अलावा उसके अलावा जी फिरोज ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी इस सबसे अबाउट एलिजे हिज एक्स वाइफ

आपकी स्पेस की बात कर रहे थे हम वो तो है तहलका और क्या मचा दिया जो इनिशियल फीडबैक है ड्रामो का हमारे रिव्यूज के ऊपर जो फीडबैक है उसकी हम बात कर सकते हैं तो दो तीन टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात करेंगे मुझे अभी भी लग रहा है हम कुछ बोल रहे हैं तो हम आपने कहा था आप रिव्यू करेंगे फिल्म का हाँ, हाँ

को मिलेगा जिसमें आपको पता लगेगा कि जॉन आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए और मिशन इम्पॉसिबल आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी नहीं, चाहिए।, नहीं, नहीं चाहिए।, चाहिए ये कुछ सवाल है कि मिशन इम्पॉसिबल आपको देखनी नहीं, चाहिए नहीं और नाचोज आपको खाना चाहिए कि नहीं खाने चाहिए ये बड़ा ये असल सवाल ये दूसरा ये। अगर देखें तो कराची में स्पेशली कहा देखेंटेंट हो गया बहुत सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही ठीक हो गया कि अगर आप मिशन जॉन तो चलो आप देख ले, जाके देख ले। लेकिन अगर आपने मिशन इम्पोसिबल है तो आप उसको किधर देखें ये जो सवाल है ये हम आपको बाद में वीडियो करेंगे आपको कल वीडियो कल आपको इसके जवाब मिलेंगे अभी मैं यही कह रहे हैं आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद

बात यह कि आई थिंक पीपल वर एक तो मैं इस <laughs> चीज के हक में बिल्कुल ही नहीं हूं कि अगर एक्टर्स को कुछ ऑफर हुआ था या किसी को भी कोई चीज ऑफर हुई उन्होंने नहीं की hmm. भाई आप ना बोले इसके hmm. बारे में आप बात hmm. ना करें ठीक है आपको नहीं करनी चाहिए बात लेकिन अगर आप किसी ने कर दी बात तो इतनी भी कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और ऐसी बात नहीं है कि यार कि अगर को कोई प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था ठीक है ऑफर का होता है बाय एंड लाज हमारे मुल्क में आई थिंक आमना आप अग्री करेंगी अगर किसी को कोई स्क्रिप्ट भेजा गया ना और यूजुअली बहुत सारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट भेजा जाता है भाई के पढ़ लो और

आई वॉज ऑफर्ड परिजाद एंड हम कहाँ के सच्चे हैं really? मैं जापान में थी तो मैं कर नहीं सकी

एक फैक्ट है जन्नत मिर्जा के ट्विटर पे थे कोई उस वक्त ट्विटर पे कह रहा हूँ इंस्टाग्राम ये टिकटॉक पे थे कुछ साढ़े बाईस एक मिलियन फॉलोअर्स उसके शो के बाद बढ़ गए होंगे तेईस हो गए जन्नत को बहुत मुबारक मेरे भी कोई बढ़े चार पांच हजार अच्छा तो उसका कोई बात हुई तो मैंने कहा यार प्रॉबली आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स है अब जब आप को मिला लें अब आप टिकटॉक को इम्पोर्टेंट समझे ना समझे जो भी है तो वो बाद में होगी यार कि प्रॉब्ली आई थिंक इमरान खान इज ओनली अदर पर्सन दर्सन गॉट सच मैसिव फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया है इमरान खान के तो लोगों ने क्या किया यार कि वो जन्नत के इंस्टाग्राम के चार मिलियन और इमरान खान के जो पता नहीं इंस्टाग्राम पे ज्यादा है वो निकाल के कंपेरिजन किया कि ये कैसे हो सकता है थोड़ा सा इजी हो जाए सवाल को समझ लिया करें कि बात क्या हो रही है कि यार कि एक यंग लड़की है उसके तेईस मिलियन फॉलोअर्स हैं चलो टिकटॉक पे पर हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इतनी अगर फॉलोइंग है उस फॉलोइंग का बंदा कर क्या रहा है hmm. एक सवाल बनता है भाई आप किसी से भी पूछेंगे तेईस तो मिलियन को थोड़े तो नहीं होते hmm. Hmm. तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल था ये थोड़ी था कि उनको खड़ा कर दिया इमरान खान के मुकाबले में भाई hmm. कि हाँ बताएं आप इमरान बड़ा अच्छा किसी ने आज कोट लिखा है ना इट वॉज इट वॉज मैंने लिखा है नहीं आप थे किसी लिखा कि बींग फेमस ऑन टिकट इज लाइंग लाइक बींग रिच इन मेनोपली But anyway, anyway, anything else you'd like to say about no, your your show?

नहीं नहीं क्या मैंने आपकी टांगी थी किसी बात मैं नहीं नहीं यार नहीं। नहीं। भूल गई ही बस, बस नहीं था इट वॉज अबाउट सेलिब्रिटी कल्चर किसी सेलेब्रिटी ने कुछ कहाँ टांग्रिटी ने पता नहीं आपको भी सेलिब्रिटी समझती हूँ ना एनीवे anyway, तो ये जन्नत बात वी नीड टू बी अ बिट काइंड टुवर्ड्स द पीपल जनरली आल्सो चिल करो यार हां ये बात आई आईने कहा ना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है नहीं इस बात से बात निकली कि आपने कहा कि अगर कोई रोल ऑफर हुआ या बात हुई दैट डजंट मीन कि ऑफर हुआ है मैंने एक ऐसा इंटरव्यू भी किया है जिसके आर्टिस्ट ने ये कहा कि पिछले दस साल में जितनी फिल्में बनी हैं वो उनको पहले ऑफर हुई थी ऑफर

और लोगों ने कहा कि आपको कम से कम तो महीने में तो एक करनी चाहिए मैंने, मैंने भी एक की थी ट्विटर स्पेस हाँ, वो इतनी वो हो गई उसके बाद कि मुझे भी करनी चाहिए मैं करूंगा काम भी करें मैं तो मैंने कहा महीने में तो पता नहीं जब कुछ बात होगी करने को मैं जरूर करूंगी पर उस वक्त ग्रीन के काफी ड्रामे शुरू और अब देखे हुए भी थे तो मैंने कहा चलो ऑन थिंग्स आपने ये देखा ये देखा मैंने कहा चलो लेट्स टॉक अबाउट एट नाइट और ट्विटर स्पेस मैंने करी उस ट्विटर स्पेस में इंसिडेंटली याश्रा रिजवी जॉइंड उनका मैं उस उस वक्त तकनाथ से मैंने नहीं देखा था बट शी स्पोक अबाउट इट एंड um, आया के फिल्म के जो इमरान रजा का नहीं देखा था सैटरडे नाइट था तो मैंने नहीं देखा था, मतलब अच्छा, okay. आ, था, आ, न, आ, था तो, सेया देखा था, तो um, सब तो नहीं देख सकते ना मैं कॉन्टेंट और इंसिडेंटली जो कैसर हैं कैसर साहब uh, जो कि ग्रीन के लिए मार्केटिंग आई थिंक है दें आप है दें ही ऑल्सो जॉइन द स्पेस और किसी ने यह सवाल किया कि अभी का तो स्लॉट बन गया उन्होंने ऑन एयर कर दिए इसके बाद क्या होगा इज दिस लाइक अ फ्लैश इन द पैन दैट ओ देर स्टार्टिंग विद ग्रेट ड्रामाज बट देर गोइंग टू नाव सर आता आता यू नो ऑफ और हमें वही नॉर्मल मिलना शुरू होगा ऐसे नहीं होंगे हमारे तो बड़े प्रोजेक्ट लाइन हुए फिर वो रियलिटी शो का भी बोला जो म्यूजिक प्रोग्राम है अच्छा बता दी वो भी, बता <laughs> भी, बता <laughs> भी उन्होंने बताया में हमने जाना है और वैन्स पेंट हो ग्रीन की और ये वो और वो हम करेंगे फिर उन्होंने कोई और भी बता दिया कि ये भी हम रियलिटी शो कर रहे हैं ये भी हम करेंगे और हमारा बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने जेंटलमैन के शायद नाम नहीं लिया उन्होंने तो कहा था वीडमीदर खलीलोरहान कमर स्क्रिप्ट एंडम उसको कर रहे हैं और है। <laughs> कह तो उन्होंने दिया <laughs> लोड जी कह तो उन्होंने दिया और वो जब स्पेस खत्म हुई तो वो ऑब्वियसली फिर ट्रिंग 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 फोन बजने शुरू हो गए फोन तो, बजने शुरू हो गए बड़ी फिर बात ऑब्वियसली यार एक, एक बड़ा प्रोजेक्ट है हुमायूं

ये थी एटलीस्ट मेरे पास जी तो पहले मेरे मेरे पास पास नहीं नहीं थी थी नहीं दे सकते थे ठीक है हो गई, हो गई गया अभी नहीं। नहीं। भी इससे रिलेटेड आपको आधी चीजें पता आधी से भी कम चीजें oh. पता देर इज मोर ऑब्वियसली मोर टू इट स्टार्टिंग विद द कास्ट देर आर सम कास्ट विच यू विल फाइंड आउट सो एंडी टू डिस्कलोज बट

मेशन है वो होपफुली इंशाल्लाह आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाएगी हम कोशिश करेंगे

Were meant to he do was do. Don't you remember the day I was supposed to meet him? He was traveling that night and he said, do din baad So what happened? And to then him? he disappeared. And then he did the series of interviews. He was on a lot of channels and I was like repeating on then We never did it. But I will do it, inshallah. Amna is nice going to do this interview. Yeah. Like, yeah no, is delightful to talk to. I mean, he's very open, he's, he's very generous with, you know with information with with sharing a, the, the best thing about Humayun I feel is that he doesn't have those star tantrums you know Wo no that's is. not the best thing about him I, I think I, I, I don't I don't mind star tantrums at all in fact I like people who have he, he's got a nice he's just very approachable I'm and very he's, humble yeah. so the like. thing is he's he's an integral part of the industry he's not just a good producer or a good actor or a star he's an integral part of the industry

लेकिन अगर आपसे कोई इंगेज नहीं कर रहा आपको इंटरेस्ट कम हो जाता है उस बंदे में ये ऑटोमेटिक चीज़ है आ, ये ऐसी है जैसे कि एक प्लेयर है वो आके चार छक्के मार के और वो टीम को जिता दिया ग्रेट बट अनलेस यू हेयर दैट प्लेयर एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस यू हेयर एम टॉक अबाउट हिज गेम यू नो अबाउट हिज़ लाइफ यू नो हिज़ थाट वो छोटे इंटरव्यू चलते हैं बाद में उससे आपका प्यार उस आर्टिस्ट के लिए या प्लेयर के लिए बढ़ता है यू you नो know? That and and that's how you become an integral part of the industry. It's not and I always say this. We have a lot of good actors. We don't have good stars. हैडम के जो डेफिनेशन है वो बहुत फर्क है गुड एक्टर्स बहुत हैं गुड स्टार्स नहीं हैं. गुड स्टार वही है स्टार वही है या बैठ कर अच्छा इंटरव्यू दे जिसको बात करके आपको मजा आया कि वो आपको मजेदार बातें बताए विट दिखाए यू नो इन साइड दे आपको इंटेलिजेंट बातें करे स्टार वही है hmm. तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ी बोर हूँ अब उन लोगों से जो इंटरव्यू नहीं देते यू नो आई मीन नेमली दिस वहाज नेमलीज़ बिलाल अब्बास खान दर इज और कौन नहीं दे रहा आज कल दर सजल दे देती है सज्जल ने फिर भी आपको भी दिया है इंटरव्यू सज्जल दे देती है नहीं I, I in this, in this, uh, तो इस तरह तो बिलाल ने भी दिया मैंने आखिरी इंटरव्यू बिलाल सजल दोनों के साथ में किया था खेल खेल में मैंने भी किया था उनका जब वो आई थी फिल्म के जो ड्रामा था नहीं बट सोलो इंटरव्यूज़ नहीं

राइट टाइम ठीक है you, जायू इज ऑलवेज नोन दैट यू नो ये <laughs> ियत पर ईजाद के बाद नहीं उन्होंने दिया इंटरव्यू उनका पूरा हक है वो ना दे बट यू नो

You need to know how to use, use it as a tool to your benefit, and it's not in a negative way. No, कि no but Shah Rukh Khan, the day I wake up and I don't see my name in the newspaper, I worry.

पहले अरसे से काम करना शुरू किया आज जितने रिसोर्सेज जितना जितनी चीज़ें डिस्पोजल uh, पे हमारे यंगर स्टार्स पे उतने तो शायद तब ना हो तो आपसे उनके जो थे और यार ये तो एक एक एक, एक तो आप यूनिवर्सल आपसे हाँ। like जो बोलता ही नहीं है जो के नहीं बोलता हाँ। वो ट्विटर पे भी आ जाता है इंस्टाग्राम पे भी आई थिंक रणबीर के जाग जाते हैं सडनली हुआ कुछ हुआ है करना पड़ता है आपको यार ये सारी चीजें और अब आप कहेंगे की हमारी फिल्मों की भी प्रमोशन बहुत होती है होती है hmm. होती है बहुत होती है बट hmm. वो मुझे मुझे ऐसा लगता है वो एक और टॉपिक है वो मिसडायरेक्टेड होती है क्या मतलब जो हमारी फिल्मों की प्रमोशन है मॉलों में चले गए hmm. स्कूल कॉलेजेस में वो तो एक अलग टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक है अगर प्रमोशन है भी एंड इफ यू आर एवरीवेयर बट How are you everywhere? That is also something that. मतलब I would have loved to sit with yeah, Ahmed Ali Akbar and talk about his his transition from stage. And I remember seeing him in Greece, जब आया था निदा बटका. ये किधर से पकड़ा है आपको एक बात बताऊं hmm. जैसे हम अक्सर कहते हैं यार एक्टर्स को इंटरव्यूज नहीं देने आते हैं मीडिया ट्रेनिंग नहीं है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि शायद बहुत सारे एक्टर्स ये सोचते हो कि यार लोगों को इंटरव्यू करने ही नहीं आते हम क्यों दें ये भी हो सकता है

यू you नो know, आपको कैसा लगा आपको जब इंडिया से कॉल आई वो हो गया यार तीस चालीस साल पहले हो गया बात कर ली सारे लोग भी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हाँ एग्जैक्टली बट यू नो या सो एनीवे ये बात ही जेंटलमैन <laughs> और ये व्हाट देखिए ये है हॉट बाइट्स का मकसद ही है हाँ. कि आप के लोगों के साथ कुछ हाँ. बातें करें अपने भी दिल हल्के करें आप लोगों को भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएं तो जेंटलमैन की जहाँ तक बात है अभी आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि नहीं यार हमारी बड़ी इंटरव्यूज की टेंशन हां बट ये आपको बहुत जल्द मजीद जेंटलमैन के अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन मिले की इसके अलावा क्या बात कर इसके अलावा जी बात थी हमारे पास क्या बात थी फिरोज और फिर मैंने मुझे समझ ही आई कि यार ये उठाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान को एक सर्टन लाइट में दिखाया जा रहा है और इंडिया को एक सर्टन लाइट में दिखाया जा रहा है अब भाई उसमें जो पीछे आवाज चल रही थी वो शाहरुख खान साहब की चल रही थी मेरे ख्याल में प्रोड्यूस इंडिया 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 ने ने की yeah, है हाँ। तो है 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 आईसीसी बीसीसीआई ही और अगर डायरेक्ट भी किया तो आर यू सरप्राइज्ड मेरा सवाल ये आपसे सिर्फ इतना नो नॉट जस्ट अपसेट बिकॉज़ थोड़ा सा माजरत के साथ, प्ले करूंगा। मुझे माफ करेज करना करें क्या पाकिस्तान तब से क्रिकेट नहीं खेला जब से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है hmm. पाकिस्तान ने क्यों नहीं बनाया ये ओ भाई हसन इट्स बीइंग होस्टेड इन इंडिया दे दे आर पुट आउट दिस प्रोमो एज ए होस्ट लास्ट टाइम इन्होंने नहीं बनाया था लास्ट टाइम किसी और ने बनाया था क्योंकि कोई और होस्ट था

अब उन्होंने देखे ना और बाय वे सिर्फ हम नहीं है और भी लोग अपसेट हैं कौन बाकी, अपसेट है? एक दो ब्रिटिश कमेंटेटर्स ने भी अपना ट्वीट किया था कि दिस इज द प्रोमो प्रोमो बिकॉज़ इट एक तो क्रिकेट तो के हवाले से इट्स अ शाहीन वन जिसको छक्का <laughs> तो वो रो रहे Then one Pakistani fan, जो कि रो रहे बट वो ये एक विकेट गिरी है वो आई थिंक अफगानी टीम की थी ब्लू, आ... पता नहीं एक, एक विकेट भी गिरी और हर, अब हर बंदा ये कह रहा है कि आपका ओडियाई का नंबर वन बैट्समैन है इस वक्त दुनिया में बाबर आजम में आपने उसको नहीं डाला इस प्रोग्राम में फीचर नहीं है फीचर बाबर ने पैसे मांगो नहीं ऐसा नहीं होता आर्टिस्ट एक्ट्रेस आर्टिस पैसे नहीं मांगते हैं इस प्रोमो में विराट कोहली को मैंने देखा उन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे नहीं नहीं विराट कोहली ने पैसे नहीं, नहीं, नहीं uh, फड्डा चल रहा है आपको बताता हूं मेरे एक दम मेरा बल्ब चला है

किस सब की सबकी फुटेज तो आप है। ये कह नहीं है कि फुटेज नहीं इस्तेमाल फुटेज नहीं।, नहीं आप लगाते ना 92 वर्ल्ड कप हम जीते थे लगाते उसकी फुटेज फुटेज ही नहीं है ना हां अच्छा भी फुटेज नहीं है इट्स नॉट लाइक देयर द प्लेयर्स आर एक्टिंग इन द एज इन इजंट लाइक नो आई हर कंट्री अपना अपना तो बनाएगी एक hmm. अपना एक स्लोगन भी बनाएगी अपना एक गाना भी बनाएगी देयर विल बी अनऑफिशियल सॉन्ग फ्रॉम एवरी टीम अपनी-अपनी किड्स होंगी कई रिलीज हो पाकिस्तान के भी नहीं आई बट ये और हम भी बनाएंगे विद आर टीम यू नो एंड वी हैव अ स्ट्रांग टीम माशाल्लाह राइट नाउ और बड़ी उम्मीद है इस टीम से मगर द थिंग इज दिस वाज अ जनरल प्रोमो फॉर द आईसीसी टूर्नामेंट इट शुड हैव फीचर्ड मोर बाय इंडिया मेड बाय इंडिया इट मेड बाय द होस्टिंग कंट्री इट कुड बी एनीबॉडी बट दिस टाइम इट वाज इंडिया इट कुड हैव बीन अबाउट मोर पीपल एनीवे दैट वाज रियली बैड दैट वाज रियली बैड या या मैन कम ऑन गाइस इंडिया बी स्पोर्ट्समैन I mean, I, I can't see

एशिया कप में इंडिया कह रहा है कि जी हमने नहीं खेलना हाँ। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड मॉडल हम कर लेंगे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का हमने जो है पाकिस्तान चला जाएगा इंडिया में खेलने मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात लगी वो ये लगी कि आप देखें दिस इज़ सो सिम्बोलिक फ्रॉम इंडिया साइड कि उन्होंने पाकिस्तान का मैच रखा अहमदाबाद में जिस स्टेडियम में उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्टेडियम और यहाँ सबसे ज्यादा क्लैशेस हो चुके हैं जब मैचेस हुआ करते थे आप देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने दिस इज उन्होंने किस तरह से इसको वो किया और अपनी आ, अपना जो एशिया कप है उन्होंने अपनी बात मनवा ली है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे hmm. वो करने तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को जाना नहीं चाहिए दे नॉट प्ले ना है? Not... नहीं, देखें फिर अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं जो बात करूँ मुझे बात नहीं खेलना चाहिए मुझे नहीं मैं क्यूँ भाई मुझे नहीं ये बात पसंद आई आप इतने उन... पावरफुल नहीं है ना क्रिकेट की दुनिया में आपकी, आपकी तो, तो फिर, फिर आप, आप इस बात पर रो रहे हैं कि भाई <laughs> हम बाबर की शक्ल नहीं लगाई आपने बाब, बाब, रोने में क्या हार जाए रोने में क्या हार जाए ये क्या बात हुई यार या तो फिर आप प्रॉपर हम हर बात पे रोते हैं नहीं हम नहीं रोते हम रोते हैं हम इस बात पे भी शोर मचाए हमने क्यों नहीं मेरा मतलब है हर जायज बात पे हम रोएंगे इस पे भी मचाएंगे एशिया कप पे भी शोर मचाए रोने क्यों रोएं क्यों भाई मतलब है शोर मचाने का मकसद ये मुझे ये बात नहीं पसंद आई मैं अगर होता पोजीशन ऑफ पावर मैंने मैं कहता नहीं जाओ भाई ठीक कितना नुकसान नुकसान होगा हो लेकिन ये मैं सिंपलिंग कोई मिलियन डॉलर्स टाइप का बहुत पैसे पीसीबी के पास मैं नहीं इस पे कर सकता और क्यों होगा भाई अगर आप इसको प्रॉपरली देखें इस चीज को एशिया कप अगर हम होस्ट कर रहे हैं और अगर इंडिया कहता है पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना मैंने न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलना इंडिया को को नहीं नुकसान होगा, को नुकसान होगा होगा पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप की बातें बात अच्छा आपने कहा बाबर आजम इज द नंबर वन बैट्समैन क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था टॉक टॉक शो पे इमाम को तो बाबर इज नॉट दी ओनली टॉप बैट्समैन इन पाकिस्तान यू नो वी गॉट टॉप में हमारे yeah. तीन बैट्समैन है टॉप टेन में अगर आप देखें अब मुझे नहीं पता है इमाम की रैंकिंग कहाँ पे है बट उस वक्त पे टॉप फाइव में टॉप टेन में पाकिस्तान के तीन बैट्समैन आते हैं तो इतने जो एट द एंड ऑफ द डे गेम है उसके जो हार्ट एंड सोल है वो हमारे प्लेयर्स हैं तो आप कैसे कह सकती हैं कि हम जो है कमजोर हैं

इंडियन टीम को और जो हमारे प्लेयर्स के साथ इंडिया में जिस तरह के वाकयात हुए हैं वो भी हिस्ट्री गवा है हिस्ट्री में लिखे हुए सबको पता है सबको पता है ऐसी बात नहीं अगर मैं क्रिकेट नहीं देखता तो मुझे कुछ पता नहीं है ओ, पता मुझे सब है हाँ। लेकिन I I हाँ। और मेरा नेशनलिज्म है वो कभी कभी जागता है लेकिन वो सही बात ऐसी बात नहीं है वरना तो फिर यही होता रहेगा इंडिया बनाए एड आईसीसी के ऊपर वी हैव नो राइट टू कंप्लेन गाइस हिम्मत है मरदा मदद है खुदा पाकिस्तान जिंदाबाद ठीक है ठीक है okay. जी नेक्स्ट फिरोज फिरोज खान फिरोज ने एक ट्वीट ये किया कि गाइस प्लीज टेक इट इजी ऑन अलीजा, अलीजा और व्हाटएवर वाज बिटवीन अस इज नॉट देयर एनीमोर सो आई वांट यू टू शो हर लव एंड रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है हुँ. फिर उन्होंने कहा कि एक और ट्वीट किया कि लीजा हैज बिन काइंड दिस पास फ्यू डेज सो ऑफ़ कोर्स वी डोंट नो व्हाट द इंटरनल मैटर इज जो hmm. भी है बट हमें लगा कि जहां पे जब uh, इन दो लोगों के बीच मेंचार एंड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली उनकी पर्सनल रिलेटेड से कोई चीज़ आती है वो स्पॉटलाइट में आ जाती है और वो मीडिया में भी बहुत आती है तो जहां पे हमने इन सारी बातों का जिक्र किया था वहां पे ये बात करना भी जरूरी है कि अगर वो कर रहे हैं अपनी फॉर्मर वाइफ को और लोगों को कह रहे हैं कि आप रिस्पेक्टफुली uh, डील करें तो दैट इज समथिंग वर्थ एक्नोलॉजिंग एंड अपलोडिंग या एब्सोल्युटली आई थिंक थिंकबल ही होनी चाहिए चीज़ें सारी और अगर डिफरेंसेस होते हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से खास तौर पर जब बच्चे इन्वॉल्व हों सो डर्टी लिनन शुड नेवर बी वॉश्ड इन पब्लिक

बच्चे हैं हैं तो तो गुड गुड अच्छी बात है यार हमें देखें हमें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, दो लोगों का जब रिश्ता खत्म होता है तो जो उन दो लोगों पे बीतती है वो तो किसी और पे नहीं बीतती ना जी तो जिस तकलीफ से वो लोग गुजरते हैं लोग एहसास नहीं कर सकते जी अब उनमें से किसी एक ने किसीडली अगर इस केस में ऐसा था कि यार किसी ने किया जो भी किया जो भी हुआ फिर भी जो तकलीफ

हाँ और अगर फिरोज के ये कहने से पीपल आर काइंड टू एंड आल्सो उनके अगर फैन फॉलोइंग में इजाफा भी हो जाता है वो भी अच्छी, अच्छी बात, है। बात, है।, उनको ताकि अलीजा का जो भी जो परसू करना चाहती है उनके लिए आसान हो जाए जी, काम जी। तो ठीक है एक दूसरे की जिंदगी आसान बना रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो अल्टीमेटली बच्चों की जिंदगी आसान होंगी तो ये अच्छी बात है एग्जैक्टली जो फिरोज ने लिखा कल कल का मतलब है कि उन्होंने बीस तारीख को उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने लिखा अलीजा हैज बीन इमेंसली काइंड इन पास फ्यू डेज लिटरली वन मी बड़ी बात है भाई yeah, yeah. जितना उनका जिस तरह का हुआ अगली किस्म का ब्रेकअप डिवोर्स बातें हुई सब कुछ हुआ hmm. तो उसके बाद इस तरह की बात कर देना ये अच्छी बात है खुशाइन बात है उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था आई वुड रिक्वेस्ट माई फैंस टू लीव अलीजा अलोन वट एवर नथिंग बिटवीन अस नाउ

आप उसको डील कैसे कर रहे हैं yeah. आप उस पर रियक्ट कैसे कर रहे हैं तो so, uh, मेरे हिसाब लेट बट नॉट टू लेट्स कर दिया बट अच्छे, ये, ये, ये एक अच्छी uh, वो है डायरेक्शन yeah. है yeah.

उनकी भी हमने बात की है आ, मुझे पता चला है, मावरा वो स्टैंडिंग ऑन ट्विटर हुँ, कल नौ तो एपिसोड के बाद एपिसोड आ, ने एज अ मैटर कुछ पोस्ट किया आ, मावरा के लिए और बोला कि जी मैं तो फैन हो मावरा की और मैं तो जस्ट फॉर मावरा आई विल नॉट मिस एनी एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा बड़ी इंकरेजिंग बात है और हमें भी जो फीडबैक आया कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कहा कि आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जीवन नगर को आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं काबली पुलाव को शनाज का कुछ लोगों ने बोला तुम्हारे हुस्न के नाम लोग कह रहे हैं जी हम तो देखना चाहते हैं तो देखेंगे तो है। हमने ये नहीं बोला भाई कि हम नहीं देख रहे हैं हम क्या देख रहे हमने सिर्फ आपको ये इन द स्कीम ऑफ थिंग्स आने वाले कुछ दिनों में हमें भी अंदाजा हो जाएगा आपको भी पता लग जाएगा कुछ ड्रामे शुरू हो रहे हैं कुछ खत्म हो गए हैं कुछ नए शुरू हुए हैं दूसरे चैनल तो पता चल जाएगा अभी चार पांच दिनों में जितनी स्पेस होगी जितना दिमाग इजाजत होगा दिमाग जितनी इजाजत देगा उतने ड्रामे हम जरूर देखेंगे और हमारा तो काम है भाई ड्रामे देखना हमारा तो जुड़ा हुआ है सब कुछ इसके साथ तो हम क्यों नहीं देखेंगे तो अपने आप को ईजी रखें हमें भी ईजी रहने दें और इस मौके पर हमें इजाजत दें जैसे कि मैंने आपको इस हॉट बैट्स के शुरू में कहा था इन शाह अगले हफ्ते हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ धमाकेदार खबरें कुछ मजे की खबरें ठीक है हम आपके साथ शेयर करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मैं और आम नाम आपसे मिलेंगे कल नाउ विद मिशन इम्पॉसिबल एंड जॉन का रिव्यू मिनी बियॉन्ड बियॉन्ड बॉर्डर्स बॉर्डर्स मनी